आदाब, केपीएनएस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आज देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में विभिन्न संगठनों की ओर से भारत बंद के समर्थन में निकाली गई रैली। शहर में भारत बंद का असर टिका। बाजार खुले रहे, बसें और दूसरे कारोबार भी रहे चालू। बीदर की सड़कों की है बुरी हालत, दुर्घटना होने का खतरा। प्रशासन नहीं दे रहा है कोई ध्यान। केजरीवाल सरकार की राह पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीपीएल परिवारों को मुफ्त पानी कनेक्शन, बाकी को हर महीने 5000 लीटर तक बिल देने का किया फैसला। राहुल गांधी ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, बोले किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड। एसी कमरों में बैठकर विकास का खाका खींचते रहे मंत्री और अफसर। झारखंड के सिमडेगा जिले के कोरोमिया बलसेरा गाँव के ग्रामीणों ने खुद ही बना डाली सड़क। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आज भारत बंद के समर्थन में डीसी ऑफिस तक एक रैली निकाली गई, जिसमें भीम आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी संगठनाएं शामिल रहीं। इस रैली में किसानों के समर्थन में और 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ नारे लगाए गए और इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए बीच सड़क पर बैठकर विरोध किया और गाड़ियों को रोका गया। रईस संघ के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और वेलफेयर पार्टी के मुबशिर शिंदे ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन सागर खान से बात करते हुए इस आंदोलन के संबंध में बताया। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से आज 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, मगर इस बंद का बीदर शहर में कोई असर देखने को नहीं मिला। बाजार और सभी दुकानें, बस और दूसरे कारोबार खुले थे। केंद्र सरकार जो किसानों, आम पब्लिक, कार्मिक, सभी लोगों के खिलाफ में जो कानून बनाए हैं, कृषि कायदे, विद्युत कायदे, APMC मार्केट कायदे, ये जो भी कानून हैं, ये किसानों के, आम पब्लिक के विरोध में है। ये बंडवाड़शाही के फेवर में है। जब बीजेपी सरकार ने अधिकार आने से पहले सभी किसान, कार्मिक लोगों के स्वदेशी के नाम पर आंदोलन करते हुए आज सरकार में आने के बाद ओनली अंबानी, अदानी जैसे विदेशी कंपनियों के, वो कारपोरेट कंपनियों के फेवर में काम कर रहे हैं। आम पब्लिक को आज डीजल हों दो, पेट्रोल हों दो, सभी महंगाई हो गए। किसानों का जो अनाज है वो 2022 को डबल कर तुम बोले, अभी 2021 आए हैं। जब 20 क्विंटल किसानों का अनाज का रेट मार्केट में कम होने के बाद सरकार ने 5 एकड़ तक यानी कि 20 क्विंटल तक खरीदी करते थे, उसको 6 क्विंटल को लाए हैं, यानी कि 1 एकड़ को लाए हैं। और एक तरफ से बोलते हैं किसानों का MSP और आधा जो लाभ है वो द्विगुण कर तुम बोल के, वो द्विगुण नहीं, सिंगल पे लाके रखे हैं। एक तरफ से हम आज के जो किसानों का बंद है उसको हम समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम देखते हैं, अगर वो हुकूमत में आए के बाद देश के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान जो लोग हैं वो किसान हैं। अगर हुकूमत में आए के बाद ये लोग किसानों का मसला हल करने के बजाय अभी उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर MSP की बात अभी हमारे ने बताई कि मिनिमम सेल प्राइस की जो बात आती है, मिनिमम सेल प्राइस के अंदर भी ये लोगों को किया जा रहा है और इनका प्राइस, वहीं हम देखते हैं अंबानी को कई लोन माफ़ किए जाते हैं, वहीं उन लोगों के लिए स्पेशल इकोनॉमिकल जोन अलॉट किया जाता है और किसानों को जो पहले से परेशान है उन्हें और परेशान किया जा रहा है। इससे आप देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसान इस देश में रहते हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग इस किसानों से और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को अगर आप लोग परेशान करेंगे, अगर इन लोगों के मानों को नहीं माना जाएगा, आने वाले दिनों में यही किसान आपको बताएंगे रोडों पर उतरकर इस हिंदुस्तान को किस तरह से बचाना और हिंदुस्तान के किसानों को किस तरह से बचाना। ये हिंदुस्तान के शहरियों को बहुत खूबी आता है और हम ये चाहते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये हमारा हक है, ये हमारे हक को रोकने की कोशिश ना की जाए, ये हमारे को प्रेशराइज ना किया जाए। हम हमारे इस डेमोक्रेसी मुल्क में हम हमारी मांगों को पूरा करने ये कर सकते हैं। बीदर शहर में बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश में जहां आम नागरिकों को विभिन्न किस्म की दुश्वारियां होती हैं, वहीं गाड़ियों पर सवार होने वालों के लिए तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका असल कारण है शहर की सड़कें, क्योंकि शहर बीदर में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कें काफी खराब हालत में हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो रहा है, कुछ जगहों पर तो सड़कों पर से डांबर निकल गया है और वो मिट्टी की सड़क बन गई है। इन रास्तों से गाड़ियों का गुजरना खतरे को दावत देता है। नगर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये सड़कें दुर्घटना के केंद्र बन जाएंगे।
बीदर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने शनिचर को चिटगुप्पा का दौरा किया। चिटगुप्पा के बीजेपी के नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता और खुबा के प्रशंसकों ने भगवंत खुबा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जन आशीर्वाद रैली निकाली गई। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध चौक गांधी चौक में जनसभा का आयोजन किया गया, मगर बारिश के कारण महमूद गार्डन फंक्शन हॉल में इस सभा का आयोजन किया गया, जहां भगवंत खुबा के अलावा दूसरे नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर कर्नाटक हज कमेटी के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला, जिला बीदर के बीजेपी अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, मुमराबाद के पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर, बीजेपी के जिला जनरल सेक्रेटरी मल्लिकार्जुन कुंभार, डॉक्टर सिद्धू पाटिल, सूर्यकांत मठपति, कर्नाटक बीदर जिला बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यदर्शी मोहम्मद तहसीन नागौरी और बीजेपी कार्यकर्ता इस्माइल लाठोड़ी, असद पटेल और निजाम हकीम के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर तहसीन नागौरी और मोहम्मद इस्माइल लाठोड़ी ने भगवंत खुबा को एक यादगार तस्वीर भेंट की। 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर भारत बंद का असर बेंगलुरु शहर में नजर नहीं आया और इस दौरान वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। इसके साथ ही दुकानें और ऑफिस भी खुले रहे। भारत बंद को देखते हुए पुलिस को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि संवेदनशील इलाकों में कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने डीसीपी धर्मेंद्र माणी के पैर पर एक गाड़ी चढ़ा दी। बेंगलुरु नॉर्थ के डीसीपी धर्मेंद्र मीणा सोमवार को प्रोटेस्ट की ड्यूटी के दौरान बाल बाल बच गए, जब प्रोटेस्ट के बंदोबस्त के दौरान एक गाड़ी उनके पांव पर चढ़ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी इस घटना से अचंभे में आ गए। फिलहाल धर्मेंद्र माणी ठीक हैं और उनकी चोट गंभीर नहीं है। हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी चला रहे शख्स को पकड़ लिया, जिसकी पहचान हरीश गौड़ा के रूप में हुई है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस, वाम दलों, तेलुगु देशम पार्टी और अन्य ने तेलंगाना में सोमवार को विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने बसों का संचालन बाधित करने के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर बस अड्डों के बाहर प्रदर्शन किए। उन्होंने केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वनपर्थी, नलगुंडा, नागर कर्नूल, आदिलाबाद, राजन्ना, सिरसिला, विकाराबाद और अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक राम मोहन रेड्डी ने अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ यहां निकट परिधि में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि कानूनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने और ईंधन के बढ़ते दाम को लेकर राजद सरकार की निंदा की। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की हुई है। घोष के साथ सांसद अर्जुन सिंह भी थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पीछा किया। इस दौरान वहां तनाव काफी बढ़ गया। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दोनों नेताओं को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हथियार निकालने पड़े। भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल से है। इस सीट पर मतदान 30 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 26 सितंबर देर शाम अचानक नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। सुरक्षा हेलमेट के साथ सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहने पीएम मोदी चल रहे कार्य का निरीक्षण करते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा व्यवस्था के शाम 9:45 करीब नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग 1 घंटा समय बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का खुद निरीक्षण किया। पीएम मोदी को कई तस्वीरों में 971 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले संसद भवन की निर्माण स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए देखा गया। संसद भवन का निर्माण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस भवन के स्थल का दौरा किया, जिसके निर्माण की मंजूरी को कोविड महामारी के बीच विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की थी। विपक्षी दलों का कहना है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए खर्चे के लिए इस परियोजना को रोक दिया जाना चाहिए। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है, इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर बीदर। फोन नंबर 8555001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है, मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल बीदर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। चोरी करने का एक नया और अनोखा तरीका खोज लिया गया है। ये तरीका बेहद अत्याधुनिक है। इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल रीट परीक्षा में नकल कराने और करने के प्रयासों के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ये ऐसा मामला है जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। मामला ये है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में बीकानेर में पुलिस ने नकल गिरोह के शातिर मुखिया समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास चप्पल भी पकड़ ली है जिसमें ब्लूटूथ लगा था। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर आने के बाद सभी लोग चौंक गए हैं। इस चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक 25 लोगों ने ऐसी चप्पलें खरीदी हैं। पुलिस ने इस चप्पल समेत कई मोबाइल और सिम भी बरामद की है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार यूपी में सभा आयोजित कर रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कानपुर के जजमऊ स्थित खुशबू ग्राउंड में आयोजित सभा में कहा कि मुसलमानों की स्थिति भारत में बैंड बजाने वालों जैसी हो गई है, जहां उन्हें पहले संगीत बजाने के लिए कहा जाता है लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चाहे मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर सामाजिक न्याय के लिए दलित मुस्लिम एकता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। वो इसी आरोप को उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान का आधार बना रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले BPL परिवारों को मुफ्त में पानी कनेक्शन देने का फैसला किया है। इन लोगों का वाटर मीटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा। सामान्य परिवारों को हर महीने 5000 लीटर पेयजल फ्री में दिया जाएगा। इससे ज्यादा इस्तेमाल पर 1.5 गुना ज्यादा शुल्क देना होगा। बता दें कि वाटर मीटर के लिए पहले होल्डिंग नंबर जरूरी था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने पानी के अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए ये निर्णय लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में JNURM और अमृत योजना के तहत 410 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई गई है, जबकि 1388 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी बाकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद का सोमवार को समर्थन किया और कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह अखंड है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के एक साल पूरा होने पर इस बंद को बुलाया है। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले। गांधी ने ट्वीट किया, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण करने वाली सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। झारखंड के सिमडेगा जिले के कोरोमिया बलसेरा गांव के ग्रामीण एक अदद सड़क के लिए अधिकारियों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते काटते जब थक गए तो उन्होंने अनूठा कदम उठाया। सरकारी उदासीनता से हार कर ग्रामीणों ने खुद ही अपने दम पर सड़क बनाने की ठान ली। फिर क्या था, गांव की महिलाएं और पुरुष सड़क बनाने में जुट गए। जिसको जैसा बन पड़ा उन्होंने सड़क निर्माण में वैसा अपना सहयोग दिया। किसी ने अपनी ट्रैक्टर लगा दी तो कोई श्रमदान करने में जुट गया और देखते ही देखते सड़क बना डाली। दिलचस्प है कि प्रदेश की राजधानी में बड़े बड़े मंत्री और अफसर विकास की योजना बनाते रहे और इधर सभी मौसमों में आवागमन के लिए अनुकूल सड़क की मांग करते करते थक चुके गाँव वालों ने खुद ही सड़क बना डाली। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े आयोजन एक्सपो 2020 दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कुरान को पाकिस्तान का एक कलाकार तैयार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शाहिद रसम ने दावा किया है कि इसमें सोने और एल्युमिनियम प्लेटेड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शाहिद रसम ने कहा कि वो एक्सपो 2020 दुबई में सूरह रहमान को दुनिया की सबसे बड़ी कुरान के तौर पर पेश करेंगे। एल्युमिनियम और गोल्ड प्लेटेड शब्दों से पहली बार कुरान विकसित करने वाले शाहिद रसम ने कहा कि वो अपने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के रूप में सूरह रहमान का प्रदर्शन करेंगे। रसम ने कहा कि वो 550 पन्नों पर करीब 80,000 शब्द विकसित करने में 200 किलोग्राम सोने और 2000 किलोग्राम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। हर पन्ने पर करीब 150 शब्द होंगे। पाकिस्तानी कलाकार का कहना है कि वो एक्सपो 2020 दुबई में इसका एक हिस्सा प्रदर्शित करने के बाद 2025 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आजकल बॉलीवुड एक्टर्स अपने बचपन की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं। बॉलीवुड एक्टर्स अपने स्कूल डेज से लेकर फैंसी ड्रेस की तस्वीरें शेयर करते हैं। फैंस तस्वीरें देखते ही गेस करने लग जाते हैं कि किसकी तस्वीर है। अब एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक क्यूट सी बच्ची नजर आ रही है जो फेरी बनी हुई है। ये बच्ची अब बड़ी हो गई है और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल है। क्या आप पहचान गए हैं कि आखिर ये बच्ची कौन है? बता दें कि तस्वीर में नजर आ रही बच्ची कोई और नहीं बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना और सलमान खान की हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। लोगों को एक्ट्रेस की हर अदा पसंद आती है। एक्ट्रेस की अब एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में जैकलिन व्हाइट ड्रेस में फेरी बनी नजर आ रही है। फोटो में उनके साथ उनके पापा भी नजर आ रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पुराने अच्छे दिन किसे याद है, पेजर और बीपर। एक्ट्रेस ने इस तस्वीर को 3 साल पहले इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था। अब एक्ट्रेस की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वैसे जब जैकलिन ने ये तस्वीर पोस्ट की थी तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया था।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में विभिन्न संगठनों की ओर से भारत बंद के समर्थन में निकाली गई रैली। शहर में भारत बंद का असर फीका, बाजार खुले रहे, बसें और दूसरे कारोबार भी रहे चालू। बिदर की सड़कों की है बुरी हालत, दुर्घटना होने का खतरा, प्रशासन नहीं दे रहा है कोई ध्यान। केजरीवाल सरकार की राह पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीपीएल परिवारों को मुफ्त पानी कनेक्शन, बाकी को हर महीने 5000 लीटर तक फ्री देने का किया फैसला। राहुल गांधी ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, बोले किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड। एसी कमरों में बैठकर विकास का खाका खींचते रहे मंत्री और अफसर। झारखंड के सिमडेगा जिले के कोरोमिया बलसेरा गांव के ग्रामीणों ने खुद ही बना डाली सड़क। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।